नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम। मुख्य सचिव और डीजीपी साहब और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ अभी बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों से आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है और वो पहुंचने लगे हैं, तो हर ऐसे जिले में जो सीमावर्ती है, जिस जिले में सड़कें आती हैं दूसरे राज्यों से, मुख्य सड़कें, वहां सभी व्यवस्थाओं सहित बड़े बड़े कैंप सरकारी स्कूल या कॉलेज के भवन में बनाए गए हैं, जहां ठहरने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, और मेडिकल जांच सबसे पहले आने के बाद उनकी कराई जा रही है, और मेडिकल जांच में देखा जा रहा है कि किसी आदमी को कोई रोग होने का संदेह तो नहीं है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, तो उस मेडिकल जांच में अगर कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो संदेह है, जिसके स्वास्थ्य पर जिसमें कोई वायरस होने की संभावना हो सकती है, तो उसको अलग करके आइसोलेट करके रखा जाएगा। तो फिलहाल ये व्यवस्था है कि बॉर्डर पर सभी जगहों पर सरकारी स्कूल या कॉलेज में कैंप लगा के ये काम किया जाए, और पूरा हिसाब किताब भी सूची बना के रखी जा रही है कि आने वाले किस जिले के, किस गांव के, कहां के रहने वाले हैं, ताकि ये ब्यौरा आगे के लिए कितने लोगों के लिए तैयारी की जा रही है। देखिए, हर जिले में अंदाजा है कि 5,000 तक लोग भी आ सकते हैं, 3,000, 4,000, 5,000 तक के लिए भी लोग आ सकते हैं, तो उस तरह से भवन लिए गए हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो अन्य जो वहां पर निकट के सरकारी स्कूल और कॉलेज होंगे बड़े, जिसमें बहुत से कमरे होते हैं, शौचालय होता है, हॉल होता है, उन सबको लिया जाएगा। तैयारी उसी स्तर की है, उसी संख्या की। सर, क्या फिलहाल उन लोगों को घर जाने दिया गया? अगर वो सस्पेक्ट नहीं है, तबीयत खराब नहीं भी है, तो क्या उन्हें घर जाने दिया गया? अभी उन लोगों को वहीं रहने के लिए कहा जा रहा है, अभी यही आदेश हो रहा है कि वहां रुक करके प्रतीक्षा करें। आदर्श तो 14 दिन के क्वारंटाइन का है, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी, संख्या अधिक होगी, तो इस पर बहुत जल्दी पुनः विचार करके निर्णय लिया जाएगा। यहाँ मुख्यालय में राज्य सरकार के स्तर पर दिन में 2 बार सभी अधिकारी बैठते हैं, एक बार सुबह में, एक बार शाम में, और सभी जगह से आंकड़े मंगाए जाते हैं और लगातार समीक्षा होती है, और जैसी स्थिति उत्पन्न होती है वैसा ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन लोगों से मेरी यही अपील होगी कि जहां तक हो सके जो स्थानीय लोग हैं अपने घरों में रहें, कहीं जाने का इरादा न करें, बाहर न निकलें, और लॉकडाउन में सहयोग। सर, यूपी के अधिकारियों से सर क्या आप लोगों की बात हुई है? क्या वहां पर कहा जा रहा है कि अब लोगों को नहीं आने दिया जाए, वहीं रोका जाए, वहीं व्यवस्था की जाए? देखिए, एक विचार ये हो रहा है कि एक अंतिम तिथि तय हो जाए, जो अंतिम तिथि तक ही अनुमति हो, चूंकि अनुमति तो दे दी गई, और मुख्यतः दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में बसें प्रस्थान कर गई, कुछ बसें पहुंच गई हैं, कुछ पहुंचने वाली हैं, लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि जो लोग अभी आ रहे हैं अगर उतने पर रुक जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, चूंकि बाहर जो लोग हैं उनके बीच ये बात फैल गई है कि अब बसें उपलब्ध हैं या जाने के लिए व्यवस्था है, इसलिए ये संख्या बढ़ सकती है। हम लोग चाहेंगे कि ये संख्या सीमित हो, और इसलिए हम लोग बहुत नज़दीक से इसको सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, ये संख्या न बढ़े तो अच्छा है, यही हम लोग का प्रयास। सर, बंगाल और झारखंड से भी आने की कुछ सूचना है क्या? उधर से भी थोड़ी संख्या में झारखंड और बंगाल से भी आ रहे हैं।